नमस्कार दोस्तों, आज अपने चैनल विजयन मास्टर मिक्स पर मैं आपके लिए 6 डे वॉर के बारे में बताऊंगा। युद्ध जो 1967 में इज़राइल और अरब फोर्सेस के बीच हुआ था, एक भीषण युद्ध जिसमें इज़राइल ने अरब देशों को काफ़ी बुरी तरह हराया, और उसके बाद से किसी अरब देश की हिम्मत नहीं हो पाई कि इज़राइल सीधे से युद्ध कर सके। और ऐसा भयानक युद्ध विश्व इतिहास में बहुत ही कम हुआ है, लेकिन पिछली महासदी का सबसे भयानक युद्ध यही था। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़। कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पहले आपको बता दूं मैं, ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं ये अब्दुल गमिर नसीर, ये इजिप्ट के उस समय राष्ट्रपति थे। यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर यू थंग। यासिर अराफात फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे। फील्ड मार्शल आमिर, ये चीफ ऑफ स्टाफ थे इजिप्ट के। किंग हुसैन जॉर्डन के, और अब्दुल रहमान जो प्रेसिडेंट थे इराक के, ये लोग एक साथ थे अरब फोर्सेस के आप सभी लोग थे। इसके बाद इसराइल की ओर से जो मुख्य भूमिका में थे वो थे चीफ ऑफ स्टाफ जनरल स्टाफ याजेक राविन, मोशे डायन इसराइल के रक्षा मंत्री, और लेवी एशकोल जो उस समय इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे। शुरुआत थोड़ी उसकी 1963 से मैं करना चाहूँगा युद्ध की। यहाँ पर क्या हुआ कि अरब लीग में एक लोगों ने देशों ने ज्वाइन हैंड्स किए, और उन्होंने ये घोषणा करी कि अरब और फिलिस्तीन की जो फोर्सेस है वो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ेगी। उसका 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ, और यासिर अराफात इसके प्रमुख बने, और उन्होंने अरब लीग के सामने एक चार्टर प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो कैसे इसराइल को नष्ट कर देंगे। 1965 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रेड्स आरंभ करी, और 1965 में ही उन्होंने 41 रेड इसराइल के ऊपर की। 1965 में सीरिया ने भी इसराइल के ऊपर के गांव जो कि गैली एरिया में थे काफ़ी बुरी तरह बमबारी करी और काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद नवंबर 1966 में सीरिया और इजिप्ट ने एक म्यूचुअल मिलिट्री पैक्ट साइन किया, और 15 मई 1967 को इजिप्ट ने अपनी जो ट्रूप्स थी, अपनी सेनाएं, वो सिनाई प्रोविंस में स्थापित कर दी। 16 तारीख को उन्होंने यूएन से कहा कि अपनी युथांग को भी लेटर लिखा उन्होंने नासिर ने कि अपनी सेनाओं को आप वापस बुला लीजिए। 18 मई को सीरिया ने अपनी सेनाएं गोलन हाइट्स पर इकट्ठी कर दी। 20 मई 1967 को जो डिफेंस मिनिस्टर थे सीरिया के हफीज़ अल असाद, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब समय आ गया है जब खात्मे का युद्ध किया जाए। 27 मई 1967 को फील्ड मार्शल आमिर ने जो कोड नेम दिया अटैक का, वो दिया ऑपरेशन डॉन। प्रेसिडेंट नासिर ने कहा कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो है इसराइल का विनाश, और अरब पीपल अब युद्ध करना चाहते हैं। 28 मई 1967 को नासिर ने और जोड़कर कहा कि हमें इसराइल के साथ रहना अब किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है। और 30 मई 1967 को जॉर्डन और इजिप्ट ने एक साझा समझौता करा इसराइल के खिलाफ लड़ाई के लिए। उसके बाद प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान इराक के, उन्होंने कहा कि इसराइल का बनना एक ऐतिहासिक भूल थी, और अब समय आ गया है कि अब हम इतिहास की भूल को वापस ले जाएं जो कि 1948 में हुई थी, और हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि हमें इसराइल को नक्शे से समाप्त कर देना है। 4 जून 1967 को इराक ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के साथ इसराइल के खिलाफ युद्ध के लिए हाथ मिलाया, और 5 जून 1967 से इसराइल ने अपना ऑपरेशन फोकस इसके खिलाफ शुरू किया। अलक्सा द डोम ऑफ द रॉक जो कि यरूशलम में है, वहाँ से लाउड स्पीकर से घोषणा भी हुई कि अपने अपने हथियार उठा लो और जू से अपनी ज़मीन को वापस ले लो। ये नक्शा आपके सामने इसी कड़ी में जो आप साफ साफ देख सकते हैं, भूरे रंग से मैंने इजिप्ट को दिखाया है, जो रेड सी है इसके ऊपर का जो हिस्सा है भूरे रंग से दिखाया गया, यही है सिनाई प्रोविंस इजिप्ट का जिसको इसराइल ने कब्जा में ले लिया। इसराइल इसमें लाल रंग से है बिल्कुल बीच में। आप देख सकते हैं कि इसराइल ने 5 जून 1967 से 11 जून 1967 के बीच में अपने क्षेत्रफल को कितना ज़्यादा बढ़ा लिया। उन्होंने जेरूशलम जॉर्डन से भी हिस्सा छीना, और सीरिया से भी, और इजिप्ट से भी, जिसके बारे में मैं आपको मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि 6 दिनों के अंदर इस पूरे हिस्से की
भूगोल को उन्होंने कितना बुरी तरह प्रभावित किया और कितना बुरी तरीके से उन्होंने हिस्से को जीता, जिसके बाद युद्ध बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया। बैंगनी रंग से लेबनान, ऑरेंज कलर से सीरिया, वायोलेट कलर से जॉर्डन, लाल कलर से इसराइल, भूरे रंग से इजिप्ट और हरे रंग से मैंने सऊदी अरेबिया को दिखाया है, जबकि समुद्र का रंग नीला है। युद्ध के बाद इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से छीन ली, जॉर्डन से उन्होंने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम को छीन लिया, और गोलन हाइट्स को उन्होंने सीरिया से छीन लिया। इसके बाद इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट के लिए कैंप डेविड समझौते के बाद वापस कर दिया, और ओस्लो एकॉर्ड के बाद वेस्ट बैंक और गाज़ा के ऊपर उन्होंने फिलिस्तीन को थोड़ी सी अथॉरिटी दे दी कि वो थोड़ा सा वहाँ प्रशासन कर सकते हैं, बाकी जितना भी हिस्सा था वो इसराइल ने वापस नहीं किया है। इसमें जो हानियाँ हुई वो इस प्रकार थी, इसराइल के करीबन 776 से लेकर 983 तक सैनिक मारे गए, जबकि अरब फोर्सेस के लगभग 25,000 सैनिक मारे गए, और एयरक्राफ्ट्स में इसराइल के 46 एयरक्राफ्ट तबाह हुए जबकि अरब फोर्सेस के 450 एयरक्राफ्ट तबाह हुए। यहाँ ये बता देना चाहूँगा कि एक दिन के भीतर युद्ध शुरू होने के इसराइल ने मिस्र की पूरी एयरफोर्स को तबाह कर दिया था। जो इज़ाक राबिन थे, जो बाद में वहाँ के पांचवें प्राइम मिनिस्टर बने और उस समय चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी थे, उन्होंने इसका नाम सिक्स डे वॉर रखा। युद्ध के बाद फील्ड मार्शल आमिर ने एक विद्रोह करने की कोशिश करी इजिप्ट में, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनकी जेल में बहुत ही संदेहास्पद तरीके से मृत्यु हो गई, जबकि नासिर की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से 3 साल के बाद हो गई। किंग हुसैन जो कि जॉर्डन थे, उन्होंने बाद में ये माना कि जून 5 से लेकर के जून 10 के दिन उनके सबसे ज़िंदगी के ख़राब दिन थे। अल कद्स में वो रोए भी थे और उन्होंने कहा था कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि जेरूशलम मेरी ही ज़िंदगी में मेरे हाथों से निकल गया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। मुझे उम्मीद है आपको ये पिक्चर बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।